वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कर्म वाच्य को कृतृवाच्य में बदलेंगे, यानी जो कर्म वाच्य है उसको हम कृतृवाच्य में बदलेंगे, पैसिव वॉइस को हम एक्टिव वॉइस में बदलेंगे। कर्म वाच्य ये है और हम इसे कृतृवाच्य में यहाँ लिखेंगे। पहला सेंटेंस हमारा क्या है? शिवानी ने से इस समय पढ़ा जाएगा, तो हम इसे कृतृवाच्य में कैसे चेंज करेंगे? कृतृवाच्य में चेंज करने के लिए हमें कर्ता को मेन बनाना होगा और उसके बाद में कर्ता के बाद में यहाँ पे से लगा है, इसको हटाना होगा और क्रिया से जा भी हटाएंगे तो वो कृतृवाच्य में बदल जाएगा। यानी कृतृवाच्य में कौन मेन होता है? कर्ता, और उसी के अनुसार क्रिया होती है। जैसे शिवानी से इस समय पढ़ा जाएगा, शिवानी इस समय पढ़ती है। यदि यहाँ पर कोई पुल्लिंग होता तो यहाँ पे जैसे राजा इस समय पढ़ता है, क्रिया कर्ता के अनुसार ही होती है, इसमें कर्म के अनुसार क्रिया होती है। अगला लेते हैं, सरकार द्वारा शिक्षा पर बहुत खर्च किया गया, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? सरकार को मेन बनाना होगा, तो कैसे लिखेंगे? सरकार शिक्षा पर बहुत खर्च करती है। अगला लेते हैं, अगला क्या? गोविंद से गीता पढ़ी गई, गोविंद गीता पढ़ता है। अगला लेते हैं, नेताजी द्वारा उद्घाटन किया गया, तो हम द्वारा हटाएंगे और यहां से गया हटाएंगे, तो कैसे लिखेंगे? नेताजी को मेन बनाएंगे, नेताजी यहाँ पे कर्ता है, कैसे लिखेंगे? नेताजी ने उद्घाटन किया। बच्चों को कर्मवाच्य से कृतृवाच्य में चेंज करने में काफी मुश्किल आती है, लेकिन यदि वो नियम समझ जाएं तो उनके लिए कर्मवाच्य को कृतृवाच्य में चेंज करना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल। और नियम क्या है? हम कर्ता के सामने से द्वारा हटा देंगे और क्रिया से जा हटा देंगे और कर्ता को मेन बना देंगे। जैसे मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है, मैं व्यायाम करती हूँ। अगला लेते हैं, उनके द्वारा कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया गया, तो इसमें कैसे करेंगे? द्वारा हटाएंगे या यहाँ से गया हटाएंगे, तो कैसे लिखेंगे? उन्होंने कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया, उन्होंने कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया। अगला चलते हैं, चलिए अब सोया जाए, चलो अब सोते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गीत लिखे गए, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीत लिखे, यहाँ पे कर्ता मेन हो जाता है। अगला लेते हैं, यह मेज मुझसे टूट गई, तो कैसे लिखेंगे? यह मेज मैंने तोड़ी। अगला सेंटेंस लेते हैं, अगला सेंटेंस क्या है? बालक
पत्र लिखा जाता है। तो क्या करेंगे हम, से हटाएंगे और जा हटा देंगे और बालक को मेन बनाएंगे, यानी कृत्रिवाच्य में कर्ता को मेन बनाया जाता है और कर्म को गौण कर दिया जाता है। जैसे बालक पत्र लिखता है, यदि स्त्रीलिंग होता तो कैसे लिखते हैं, बालिका पत्र लिखती है, कर्ता के हिसाब से ही क्रिया होगी, यानी कर्ता यदि पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग ही होगी। अगला लेते हैं, माँ के द्वारा पुत्र सुलाया गया, तो कैसे लिखेंगे, माँ ने पुत्र को सुलाया। अगला लेते हैं, अगला 13 है हमारा, क्या है, रजिया से कपड़े धोए गए, तो से हटा देंगे और ये हटा देंगे, रजिया कपड़े धोती है। तुमसे फूल तोड़े जाएंगे, तो कैसे लिखेंगे, तुम फूल तोड़ोगे। अगला लेते हैं, अगला हमारा क्या है, रमेश से अब दूध नहीं पिया जा रहा, तो कैसे लिखेंगे, रमेश दूध नहीं पी सकता। अगला लेते हैं, अगला क्या है, रमेश द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, तो द्वारा हटा देंगे और जा हटा देंगे, रमेश पतंग उड़ाता है। मानी से पुस्तक पढ़ी गई, तो कैसे लिखेंगे, मानी पुस्तक पढ़ सकती है। अगला लेंगे, अशोक द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, तो कैसे लिखेंगे, अशोक अखबार पढ़ता है। नेक्स्ट लेते हैं 19, सीता से फूल तोड़ा जाता है, सीता फूल तोड़ती है। अगला लेते हैं, तुमसे लिखा नहीं जा सकता, तो इसमें हम से हटा देंगे और क्या से लिखेंगे, से हटा देंगे और जा हटा देंगे, तुमसे लिखा नहीं जा सकता, तुम लिख नहीं सकते। अगला लेते हैं, सोहन से फुटबॉल नहीं खेला जाता, सोहन फुटबॉल नहीं खेल सकता। क्या लिखा हमने, सोहन फुटबॉल नहीं खेल सकता। अगला लेते हैं, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा, मैं खाना नहीं खा सकती। अगला लेते हैं, मुझसे आम खाया गया, मैं आम खाती हूँ।
अगला लेते हैं, मुझसे झूठ नहीं बोला जा सकता। मैं झूठ नहीं बोल सकती। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, प्रणव द्वारा कविता लिखी गई, तो कैसे लिखेंगे? इसमें द्वारा हटाएंगे और गी हटाएंगे और कर्ता को मेन बना देंगे। जैसे प्रणव ने कविता लिखी। हम कभी भी काल चेंज नहीं करेंगे, जो काल है वही लिख रखेंगे, यानी भूतकाल में क्या किया हुआ काम हम भूतकाल में ही लिखेंगे। वर्तमान काल की क्रिया है तो उसे वर्तमान में ही लिखेंगे, हम काल अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। जैसे छात्र से पत्र लिखा गया, ये पास्ट टेंस है, और से हटा देंगे और गया हटा देंगे, तो कैसे लिखेंगे? छात्र पत्र, छात्र ने पत्र लिखा, यानी ये क्रिया भी पास्ट टेंस की है। अगला लेते हैं, अगला क्या है, लड़के से फल खरीदा जा रहा था, तो से हटा देंगे और जा हटा देंगे। लड़के ने फल खरीदे। अगला लेते हैं, अगला क्या है, भगवान द्वारा हमारी परीक्षा ली जाती है, तो क्या लिखेंगे? भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। अगला क्या है, अगला सेंटेंस है, कवि से कविता लिखी भी जाती है और पढ़ी भी जाती है, तो कैसे लिखेंगे? कवि कविता लिखता भी है और, तो क्या लिखेंगे? कवि कविता लिखता भी है और पढ़ता भी है। अगला लेते हैं, अगला क्या है, लड़कियों से पुस्तकों पर लिखा जा रहा है, लड़कियां पुस्तकों पर लिख रही हैं। अगला सेंटेंस लेते हैं, अगला हमारा क्या है, गांधी जी द्वारा उपदेश दिया गया, गांधी जी ने उपदेश दिया। अगला सेंटेंस लेते हैं, अगला हमारा क्या है, मंत्री द्वारा राहत सामग्री बांटी गई, मंत्री ने राहत सामग्री बांटी। अगला सेंटेंस लेते हैं, अगला क्या है, सभी दर्शकों द्वारा नाटक की प्रशंसा की गई, सभी दर्शकों ने नाटक की प्रशंसा की। अगला लेते हैं, अगला क्या है, सभी बच्चों से गीत गाए गए, तो कैसे लिखेंगे? सभी बच्चों ने गीत गाए।
अगला लेते हैं, माँ द्वारा स्वादिष्ट भोजन बनाया गया। तो क्या कैसे लिखेंगे, माँ ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। यहाँ पे माँ को क्या कर दिया है, मेन बना दिया है, यानी कर्ता को यहाँ पर मेन बना दिया गया है, इसलिए द्वारा हटा दिया और गया हटा दिया गया। अगला लेते हैं, डॉक्टर कपूर द्वारा रोगियों को दवा दी जाती है। तो कैसे लिखेंगे, डॉक्टर कपूर रोगियों को दवा दे रहे हैं। क्रिया यदि प्रेजेंट टेंस में है तो हम भी प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, यानी वर्तमान काल में है तो हम वर्तमान काल में ही क्रिया को लिखेंगे। अगला लेते हैं, बलराम से कसरत की जाती है। तो कैसे लिखेंगे, बलराम कसरत करता है। अब हम अगला सेंटेंस लेते हैं, अगला क्या है, अलका द्वारा आम खाया जाता है। तो द्वारा हटा देंगे और जहां हटा देंगे, तो क्या लिखेंगे, अलका आम खाती है। अगला लेते हैं, युवराज द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा था। तो युवराज क्रिकेट खेलता था। अगला सेंटेंस लेते हैं, दिया द्वारा केले लाए गए। दिया केले लाई। अगला सेंटेंस है, अनुराग के द्वारा कहानी लिखी गई। तो क्या करेंगे, के द्वारा हटा देंगे और गई हटा देंगे। अनुराग ने कहानी लिखी, तो कर्ता मेन हो जाता है इसमें। माँ के द्वारा फल खरीदे गए। तो हमने माँ को मेन बनाया, यहाँ पे कर्ता को मेन बनाया, माँ ने फल खरीदे। बच्चों से फुटबॉल खेला जा रहा है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। नेहा द्वारा गाना गाया गया। तो द्वारा हटा देंगे और गया हटा देंगे, तो क्या लिखेंगे, नेहा ने गाना गाया। अगला लेते हैं, अध्यापिका के द्वारा कविता पढ़ाई जा रही है। तो के द्वारा हटा देंगे और जा हटा देंगे, तो कैसे लिखेंगे, अध्यापिका कविता पढ़ा रही है। अगला सेंटेंस लेते हैं, माली से खेतों की सिंचाई हो रही है। माली खेतों की सिंचाई कर रहा है। अगला लेते हैं, अगला क्या है, राकेश द्वारा पेड़ लगाया जाता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, राकेश पेड़ लगा रहा है। हम काल चेंज नहीं करेंगे। नौकर द्वारा सफाई की जा रही है। कैसे लिखेंगे इसको, नौकर सफाई कर रहा है। यदि सेंटेंस ऐसे होता, नौकर के द्वारा सफाई की गई, यानी पास्ट टेंस में होता, तो हम कैसे लिखेंगे, नौकर ने सफाई की। अगला लेते हैं, धोबी के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। तो कैसे लिखेंगे, धोबी कपड़े धोता है। अगला लेते हैं, लड़कियों से गीत गाया जा रहा है। तो कैसे लिखेंगे, लड़कियां गीत गा रही है। अगला लेते हैं, अगला क्या है, हमसे निबंध लिखा जाएगा। हम निबंध लिखेंगे।
अगला लेते हैं, हमसे रोज वाच्य का अभ्यास किया जाएगा। तो इसको कैसे परिवर्तित करेंगे? हम रोज वाच्य का अभ्यास करेंगे। यदि आप मेरे साथ नियमित रूप से वाच्य का अभ्यास करेंगे तो आपके लिए वाच्य समझना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। तो कर्म वाच्य को कृत्रिम वाच्य में चेंज करना कितना आसान है। यदि आप मेरे साथ नियमित रूप से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए कर्म वाच्य को कृत्रिम वाच्य में चेंज करना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति रुझान कम हुआ है वो बढ़े। और ग्रामर में आपको किन किन टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पर लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए मत शर्माइए। धन्यवाद।